से ऑस्ट्रेलिया में रुकी हूँ। कंप्यूटर इंजीनियरिंग मैंने की यूनिवर्सिटी न्यू साउथ वेल्स से, उसके बाद यूटीएस से मास्टर स्टार्ट किया लेकिन पूरा नहीं कर पाया, शादी हो गई उसके बाद कमिटमेंट्स और फैमिली स्टार्ट हो गई थी, इस वजह से एचपी में इस वक्त काम कर रहा हूँ एज अ नेटवर्क स्पेशलिस्ट। उससे पहले ऑप्टस के हमारा बिजनेस। नाउ द क्वेश्चन स्टार्ट्स के व्हाई आई जॉइन पीटीआई। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, पहले तो ये कि मैं सारी पॉलिटिकल पार्टी से हेट करता था, क्योंकि मैं जब पाकिस्तान से आया तो मुझे इन्वॉल्व भी नहीं था, मैं ना ही मैं होना चाहता था। कि लोग जो है वो आके झूठे वादे करते हैं, लोगों का दिल दुखाते हैं, दिल तोड़ते हैं, और हमारा जो पाकिस्तान है वो दिन ब दिन पीछे जा रहा है, आगे नहीं जा रहा है। यहाँ पर ग्रेजुएशन किया, यहाँ पर लोगों को देखा, यहाँ पर सोच देखी लोगों की कि कैसे लोग अपने मुल्क के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, और किस सेंस में, ख्वाह वो अपोजिशन पार्टी के हों या कैसे हों। तो इसलिए मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से फिलेशन नहीं रखना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान की ये सिचुएशन जो वर्स से वर्स होती जा रही है, एवरी डे इंटरेस्ट पैदा हुआ कि कौन सा पॉलिटिशियन जो है वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है। तो इमरान खान को सुना, इमरान खान बहुत पसंद आए, उनकी जो विजन आइडियोलॉजी से बहुत इंस्पायर हुआ मैं, तो रेगुलर बेसिस पे उनके टॉक शोज सुनने शुरू कर दिए न्यूज़ पेपर्स। और तो बेसिकली क्या होता था, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, उनके टॉक शोज सुन लिया और बर्न होना शुरू हो गया अपने आप में, और गुस्से में आके दोस्तों से बात कर दी कि यार ये हमारे पाकिस्तान को क्या हो रहा है, वो इमरान खान बेचारा मेहनत कर रहे हैं और लोग उनके पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और क्या हो रहा है क्या नहीं, और मैं कुछ करना चाहता हूँ, क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। तो ऐसे ही कुछ अर्सा गुजरता रहा। तो एक दिन मेरी वाइफ से मेरा आर्ग्यूमेंट हुआ, वो कहती है कि तुम बैठे हुए टीवी देखते हो और अखबारें पढ़ते हो और तुम बर्न होते रहते हो, इफ़ यू वॉन्ट टू डू समथिंग डू समथिंग। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि ये तो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी भी सारी ऐसे ही है, या पाकिस्तानी अक्सर हमारे पाकिस्तान में सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, उनको एक तो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा करने के लिए, यहाँ उनमें वो एक विल नहीं आ रही कि भाई मैं कैसे करूँ। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिंगल बीइंग, तो मैं स्टार्ट करता हूँ और जितने मेरे अजीज़ और अकारिब यहाँ पे हैं, जानने वाले हैं, दोस्त हैं, उन सबको कन्विंस करना है, उन सबको अवेयर करवाना है, अगर वो न्यूज़ नहीं देखते हैं या पाकिस्तान के अखबार नहीं पढ़ते हैं, या आजकल मीडिया इतना है और सब में शाउड है, सब लोग अक्रॉस हैं इस चीज़ के, तो वो भी कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो ये कैसे किया जाए, हम इसको कैसे करें। देन आई स्टूड अप, मैंने ज्वाइन किया पीटीआई को, और जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उसी दिन एट द स्पॉट आई हैड 20 मेंबर्स विद मी, क्योंकि मेरे साथ ऐसे ही गैदरिंग में हम लोग बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, आई एम विद इमरान खान, मैं इमरान खान के साथ हूँ। मेरे में एक चीज़ है कि मैं वो पर्सन हूँ कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं करूँगा, हो जाएगा, मैं करता हूँ। मैं इस मुल्क में आया था, मैंने देखा, मैं पढ़ने आया था, मुझे लोगों ने कहा पैसे कमाएँ, काम करें, ये करें, आपके तो पढ़ाई के चक्कर, उन्होंने कहा नहीं मैं पढ़ने आया, मैं पढ़ूँगा और मैं ये करूँगा, और मैंने किया। उन लोगों से भी मैंने यही बात की, मैंने कहा भाई कौन इमरान खान के साथ है, आप सपोर्ट कर रहे हैं? जी हम सपोर्ट कर रहे हैं। आप कैसे सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान को? जी हम इमरान खान के साथ हैं। हम ओवरसीज़ में रहते हैं, हम ना तो जाकर उनके पीछे झंडे उठा सकते हैं, ना हम रैलियों में इमरान खान के साथ जा सकते हैं, ना हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने कहा हाउ वी आर सपोर्टिंग, जस्ट गिव मी वन सिंगल एग्जांपल, एंड दे हैव नो आंसर। मैंने कहा लेट्स डू इट देन, अपने दोस्त को बोला लैपटॉप लेके आओ, अगर हम हैं इमरान खान के साथ वी हैव टू डू इट नाउ। उसी दिन उन सबको मेंबर्स बनाया एट द स्पॉट। कुछ लोग ऐसे भी थे कि भी करते हैं, घर जाके कर लेंगे, ये करेंगे। तो जो मैंने चीज़ फाइंड आउट की है, और फिर मैं पंचमहल में रहता हूँ, तो लेकम्बा में काफ़ी पाकिस्तानी शॉप्स हैं, पाकिस्तानी अपने दोस्त हैं वहाँ पे, तो यही मेरे आया सामने कि जिससे भी जाके बात की, आई एम अ सपोर्टर ऑफ पीटीआई, आई एम अ सपोर्टर ऑफ इमरान खान, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? दे नॉट इवन पेड मेंबर्स। तो ये सोच के उनको अवेयरनेस दी कि भाई हम वहाँ जाके उसकी हेल्प नहीं कर सकते, हम वहाँ जाके पीटीआई को सपोर्ट नहीं कर सकते, तो बैठे हुए ओवरसीज़ में हम क्या कर सकते हैं? तो एटलीस्ट हम एक जो है डोनेशन कर सकते हैं, ठीक है, जो 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 सपोर्ट का काम है, या हम वो नहीं कर सकते, हम मेंबर बन सकते हैं और पीटीआई के साथ मिलके कोई काम कर सकते हैं ऐसा। आई माइट बी गुड इन समथिंग लाइक राइटिंग अ पेपर और पब्लिशिंग समथिंग और फोटोग्राफी और समथिंग, कुछ भी मिलके टीम के साथ, मेंबर्स के साथ हम कुछ कर सकते हैं। तो आजकल मैं उस पर काम कर रहा हूँ कि आई एम गोइंग डोर टू डोर और शॉप्स एंड पीपल को अवेयर दिला के कि भाई दिस इज़ द टाइम नाउ, कि अगर हम आप नहीं करेंगे वी डोंट हैव अ पाकिस्तान टुमारो, क्योंकि जो हालात अब साहब के सामने गुजर हैं। तो बेसिकली इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी भी है, एक बादशाह बीमार पड़ गया, तो उसने अपने हकीम को बुलाया कि मेरा इलाज बताओ क्या है। तो हकीम ने बोला कि भाई तुम्हारा इलाज जो है वो ऐसे होगा कि एक दवाई बनानी पड़ेगी जिसके लिए एक बहुत बड़ा तालाब चाहिए दूध का, तो तब ये दवाई बनेगी, तो ये जो दूध है ये तुम्हारे यहाँ से भी नहीं आएगा, ये तुमने कहीं से लाना है। बादशाह ने अनाउंस किया कि जितनी भी मेरी राया है सारे आएँ, और सारे आके ये मेरा बाहर एक मैंने घड़ा बना दिए, तो सारे आएँ, तो आई एम नॉट आस्किंग मच, एक एक ग्लास दूध का डालते जाए उसके अंदर, ठीक है, ताकि जो है ये तालाब बन जाए और मेरे लिए इसके लिए जो है वो एक मेडिसिन बन जाए।
अब उसमें क्या हुआ कि जैसे हमारे पाकिस्तानी लोगों की काफ़ियों की सोच है, जैसे पाकिस्तान में काम हो रहा है और ऐसी करप्शन की वजह से हम लोग तरक्की नहीं कर पा रहे, एक साहब ने सोचा उनमें कि मैं अगर एक गिलास पानी का डालाऊंगा, सब तो दूध डाल रहे हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, एक घड़ा इतना बड़ा उसमें दूध इकट्ठा हो रहा है तो पानी से क्या फ़र्क पड़ेगा। वो आए, उन्होंने पानी डाल दिया, रात का वक्त था, किसी को नज़र नहीं आ रहा था, तो पानी डाल के चले गए। एक और साहब, तो उन्होंने भी यही सोचा, उनकी भी यही थिंकिंग थी, यार मैं ये कर दूंगा तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो क्या हुआ कि सुबह जब बादशाह उठा तो वो एक्साइटेडली गया कि देखूँ जाके कि वहाँ पर तालाब में दूध इकट्ठा हो गया है। तो आप यकीन करें कि वहाँ पर लस्सी का भी नामो निशान है, जो वैसा पानी, क्योंकि सबकी सोच यही थी कि भाई दूसरा बंदा करेगा, तीसरा बंदा करेगा, एंड दैट्स व्हाट वी आर फेसिंग टुडे। हम सब यही पाकिस्तान में यही कर रहे हैं कि एक बंदा कर रहा है बस वही करे, हम जब बैठे देख रहे हैं बस हो जाएगा, वी विल गो वी विल एंजॉय। अब ये कैसा नहीं होने वाला, चेंज चाहिए हमें, तो हमें अपने आप को चेंज करना है, हमें अपने आप से स्टार्ट करना है। हम सब कहते हैं यस वी नीड चेंज। और एक और बात मैंने नोट की है, जब से मैं इंटरेस्टेड हुआ और मैंने पार्टी ज्वाइन की और उससे पहले इमरान खान को सुनना शुरू किया, कि हमारी जो कौम है पाकिस्तान की, हम लोग फेड अप बहुत जल्दी हो जाते हैं 2 साल बाद। मुझे अच्छी तरह याद है, बेनज़ीर आई थी तो मिठाइयाँ बढ़ रही थी, उसके बाद 2-4 साल बाद हम उससे फेड अप हो गए। नवाज शरीफ आया, 2 साल लोगों ने बड़े इन्जॉय किया, फिर उससे भी हो गए। फिर जब मुशरफ आया तो उस वक्त हमने सब ने कहा जी आर्मी आ गई, ये अब काम सही करेगा, और उसने काम 2-3 साल ठीक किया, लेकिन उसके बाद उसने भी एज यूजुअल ऑल लाइक ऑल अदर पॉलिटिशियंस उसने भी वही काम करा किया। ठीक, तो यही कुछ पाकिस्तान के साथ हो रहा है, क्यों कि जो लोग पिक्ड अप हो रहे हैं ना, तो वो मेरिट बेस पे हो रहे हैं पिक्ड अप, वो पिक्ड अप हो रहे हैं रिलेशनशिप बेस्ड पर या करप्शन की बेस पर। ठीक है, तो इसलिए पीटीआई हमने ज्वाइन किया, और मैं वकास साहब को नहीं जानता था, इमरान साहब को नहीं जानता था, आई वाज जस्ट पावर साहब इंडिपेंडेंटली काम करने की कोशिश कर रहा था। तो हम लोग एक दूसरे से मिले और हमारा विजन तकरीबन एक है और काम करने का तरीका एक है, वी वर ऑन द सेम पेज ऑलमोस्ट। तो फिर हमने इस सिलसिले में हमने सोचा व्हाई नॉट वी फॉर्म अ टीम एंड वी शुड वर्क एज अ टीम। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे यही होगी कि वी हैव टू डू द चेंज, जो हमने करनी है ये हमने अपने आप से शुरू करनी है, हमारे से स्टार्ट होगी तो हमारे दूसरे भाइयों तक जाएगी, हमारे दूसरे दोस्तों तक जाएगी, और हमें सबको मिलकर ये करना है अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो वैसा ही हो जैसा कायदे आज़म हमें दे के गए थे, जैसा वो छोड़ के गए थे। तो आखिर में मेरी सबसे आपसे ये रिक्वेस्ट होगी, आज हमने ये यहाँ पे गेट टुगेदर अरेंज की है, इसका बिल्कुल ये मायने नहीं है कि हम लोग यहाँ पे वोट मांगने के लिए आप लोगों को इकट्ठा करना चाहते थे। बेसिकली हमने यहाँ क्वालिफिकेशन ली है, हम यहाँ पे अच्छी जॉब्स पे, हम सिर्फ ये चाहते थे कि सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो इकट्ठे हों और सारे वोटर्स को एक फेयर चांस मिले उनको सुनने का, क्योंकि बाय सेंडिंग ईमेल्स, और हम दूसरे को जानते भी नहीं, जैसे मैं काफ़ी लोगों में से नहीं जानता हूँ किसी को, तो बाय ईमेल्स आप भी मुझे नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ, दुनिया के किस कोने में रहता हूँ, मेरा विजन क्या है। ठीक है, तो बहरहाल वो लोग कमिटेड थे कहीं और, वो नहीं आ सके, जैसे हमारे कुछ मेंबर्स भी नहीं आ सके, तो इंशाल्लाह अल्लाह मौका देगा तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर वो लोग भी कोशिश करेंगे, हम भी कोशिश करेंगे। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है एक हम्बल कि प्लीज़ अपना वोट कास्ट करें तो राइट कैंडिडेट को करें। ठीक है, ये मकसद नहीं कि हम लोग यहाँ पर आपको बुला रहे थे आप हमें ही करें, ये पीटीआई का इलेक्शन है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, आपने अगर दूसरे कैंडिडेट्स को भी सुना है और आपको लगता है उनकी विजन ठीक है, ठीक है, हमारे से बेहतर वो काम कर सकते हैं, तो आप अगर उनको वोट देना चाहते हैं आप उनको दें, अगर आपको लगता है कि हम लोग कर सकते हैं और आपको हमारा विजन सही लगता है तो फिर आपकी मस्जिद आप हमारे। ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद। पीटीआई।